Hi friends, I welcome you all at Cracked B. In my previous video, I had given you information regarding the post of Central Food Officer, Technical Officer, Assistant Director, and there were 233 posts in various department, and there were 21 posts regarding this Assistant Director. So in this video, you will see various cutoff for the various posts of the exam which was held in 2019, and in this video we'll discuss the cutoff of assistant manager, central food safety officer and the technical officer. Friends, we are providing exclusive and very to the point content for this exam, and for more update you can visit our website, that is www.craggradeb.com. और ये हमारे कोर्सेज की डिटेल्स हैं, ये उनके उनके बारे में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सैम्पल कोर्स जल्दी ही हम अपने वीडियो के साथ अपलोड करेंगे, और आप चाहे तो हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं हमारी जीमेल आईडी crackgradeb@gmail.com पर। तो फ्रेंड्स, दीज आर अवर स्टार परफॉर्मर्स जो पिछले कुछ सालों में इन वेरियस एग्जाम्स के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड बी, सीबी ग्रेड बी। तो नबार्ड ग्रेड बी, फसाई, सीबी ग्रेड बी, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग टू द पॉइंट वेरी कम्प्रीहेंसिव एक कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, ताकि वो इन सारे एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, राइट डायरेक्शन में जाना और राइट चीज़ों को स्टडी करना इज वेरी नेसेसरी। अदरवाइज आप इस पूरे एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट, और तो उसमें हम लोग उसको बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसका जो एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे कट ऑफ है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी, इसके कट ऑफ मार्क्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में है वो 49.875 है, ओबीसी में 48.125 है। इसके अलावा बाकी किसी कैटेगरी में कोई सिलेक्शन नहीं था इसमें से। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में है 66.875, एससी कैटेगरी में दिया है 64.5, और एक्स सर्विसमैन के लिए 59.875 अंडर दिस ओबीसी कैटेगरी, और अनरिजर्व कैटेगरी में पब्लिक विद डिसेबिलिटी के लिए था वो 58 के आसपास कट ऑफ गई थी। इसके बाद असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी अनरिजर्व कैटेगरी में 76.25, ओबीसी में 73.625, एससी में 72.25, एसटी में 71, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 73.875। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप देखेंगे तो 71.25 था और 73.125 था अंडर दिस ओबीसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी। सेंट्रल फूड ऑफिसर, इसकी बहुत सारी पोस्ट हैं, आपको मैंने जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ गई थी 73.5, 71.25, 69.75, 66.75 एंड 69.75 फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिस्पेक्टिवली। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 59.25 गई है, और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 72.5 गई है इसकी कैटेगरी में। तो और ये लास्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर, इसकी भी बहुत सारी पोस्ट है आप देख सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 63.925, ओबीसी में 59.875, एससी में 57.625, एसटी में 53.125, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 55 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 39, और 53.375 है अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर ही अपलोड करेंगे। जैसे सिलेबस आता है मैं आपसे कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा, आपको सोर्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या गाइड भी करूंगा, और उसमें देखेंगे कि इस एग्जाम के मतलब पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज आपने नोटिस की होगी, इस बार जो है सारे एग्जाम जो है सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो पिछली बार रिटन एग्जाम भी हुआ था, तो इस बार बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं इसके अंदर, तो वो देखेंगे आने वाले उस टाइम में, और जैसे सिलेबस आता है तो मैं आपसे उसको कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।